दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से एक लड़की के साथ रेप हुआ और फिर उसे जिंदा जला दिया गया, तो उस को देखते हुए पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, नरवाना में प्रदर्शन किया जा रहा है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा इस जिन को। ऐसे सरकारें चुप हैं, दिल्ली प्रशासन और हमारे ऊपर जो ये बार बार अत्याचार हो रहा है ऐसी समाज के लोगों पर, और किसी समाज पे नहीं होता, तो ये बहुत ही दुखदायी घटना है। आप सभी को नमस्कार। आज इस विषय को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं। SDM साहब के थ्रू हम राष्ट्रपति को आज ज्ञापन देंगे कि पूरे देश में पूरे सारे टीवी चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात छाई है 4-5 दिन से कि 4-5 लोग जो कि मंदिर के पुजारी बताए गए हैं दिल्ली में, एक बहन के साथ में, 9 साल की बिटिया के साथ में, इन्होंने जघन्य अपराध किया है और गैंग रेप किया है, जो इनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए ये केस और दोषियों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। जैसे पीछे हाथरस कांड था, मनीषा हत्याकांड था, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए। निर्भया कांड था 2012 में, तो उसकी तरह इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए, दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसके साथ साथ में अभी सुनने को आया कि एक सिरसा, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सिरसा में एक 12 वर्षीय लड़के के साथ भी रेप हुआ है, तो वहाँ भी मैं हरियाणा सरकार की हरियाणा सरकार और गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट और सरकार और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपा करके इन केसों में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, परिवार को मुआवजा दिलाया जाए और जो भी दोषी है दोषियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली प्रशासन की कार्रवाई कहां तक बढ़ी है इस मामले में, जिस प्रकार से जो मामला दिल्ली प्रशासन ने इस मैटर को लेकर बिल्कुल मौन है, कोई एक्शन उन्होंने को लिया नहीं है। कोई एक थोड़ा बहुत अगर कोई उन्होंने इंप्रेशन के तौर पर थोड़ा बहुत वहां पे केजरीवाल जी आए हैं गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ऐसा कोई लीगली एक्शन नहीं लिया है जिससे कि परिवार को हेल्प भी मिले, आर्थिक हेल्प भी मिले
और लीगली एक्शन जो जिसमें कि उनके खिलाफ़ कोई ऐसा उनको अरेस्ट किया जाए या अरेस्ट वारंट निकाला जाए या कोई मैटर किसी अन्य एजेंसी को SIT वगैरह गठित की जाए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बड़ा दुख का विषय है कि प्रशासन भी मौन है और प्रशासन के साथ साथ में गवर्नमेंट भी मौन है। बड़ा दुख का विषय है और इसके साथ साथ में जितने भी आज सुबह करीब 5 बेल मैटर लगे थे SC ST एक्ट में, सभी के सभी मैटर में हमें नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमने बेल को डिसमिस करवाया, हाई कोर्ट में लेके गए। वहाँ पे जो हाई कोर्ट में जज बैठे हैं वो भी सब मनवादी है, उनकी उनके भी हौसले बुलंद है। जब अपराधियों को हाई कोर्ट जैसे जजेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज जैसे उनको हेल्प करेंगे तो हमें न्याय की तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कि न्याय मिल पाएगा। तो जैसे ऐसे ही साथ साथ में अभी पीछे कांड हुआ था सुंदरपुरा हत्याकांड, उसमें भी जो कि बड़े क्लियर शब्दों में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया था कि लड़के को मार कर नहर में फेंक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने मिलजुल कर 306 का मुकदमा बनाया जिसमें आत्महत्या का प्रयास है, जो कि लड़के ने ऑडियो वायरल भी की इसकी मरने से कुछ टाइम पहले, जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई इसकी। अगर उसके अकॉर्डिंग भी अगर एक्शन लिया जाए तो उसमें 320 भी बनता है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है पुलिस और प्रशासन। तो क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं तो कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए? ये तो लास्ट में बस देख लिया हाल चाल जो कुछ भी था, ये तो आपस में मार काट होगी लास्ट में, चाहे वो मर जाए चाहे कोई और मर जाए, जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एक निदान के लिए एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, सोशल मीडिया के माध्यम से, साथियों के माध्यम से एक मैसेज को जरूर आगे कन्वे कर दीजिएगा। अगर अपने समाज को, दिल्ली की थी वो कहाँ मतलब आसपास की थी क्या, दिल्ली से ही रहती थी? वहीं पास में ही बस्ती है, कोई नागल में कन्फर्म नहीं है उसको लेके। बताया जा रहा है पानी भरने के लिए आई। हाँ, वो कहीं वो वाटर काउंटर से पानी वगैरह लेने के लिए गई थी, उन्होंने उसके साथ में 2-4 और उसके साथ में थे जो मिले थे, उन्होंने इसके साथ में ये काम किया। तो मैं अपने समाज से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आगे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, जब तक हम पढ़ लिख कर शिक्षित नहीं हो गए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते ले पाएंगे। हमें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा, क्या अपने राइट हैं, क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम पा सकते हैं, क्या हम किसी अधिकारी को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तब तक उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, बच्चों को बड़े लाइब्रेरी वगैरह है वो खुलवाने का कष्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। Thank you.